बैक विद अनदर व्लॉग। सो आज आप सोच रहे होंगे कि मॉर्निंग में व्लॉग क्यों नहीं स्टार्ट हुआ और इवनिंग हो गई है, क्योंकि मुझे पर्सनली आजकल खुद का भी मेरा मूड नहीं कर रहा है बहुत कम ऐसे कोई भी क्लिप लेने का या रिकॉर्ड करने का, क्योंकि आसपास माहौल होता है ना कि कोई लाइक ब्लॉग में आना चाहते हैं, कोई सपोर्ट कर रहा होता है, तब तो ऐसे एक होता है ना इच्छा भी करती है। अब एनी टाइम अगर किसी को बोलो कि ठीक है और उसके बाद ऐसे कि नहीं यार उसे नहीं होगा, सो उस टाइम ना थोड़ा सा ऐसा लगता है कि बस बंद क्यों ना कर दूँ मैं, पर नहीं कर सकती। ठीक है, किसी एक पर्सन की वजह से या किसी और की वजह से भी मैं बिल्कुल नहीं कर सकती। सो यस, अभी शाम हो गई है क्योंकि सुबह से थोड़ा बहुत काम कर रही थी, फिर हर दो दिन में कपड़े हो जाते हैं तो इतने सारे पता नहीं कहाँ से हो जाते हैं, बहुत सारे कपड़े और चादर वगैरह ये सब हो जाते हैं। आई गेस 4 बज गए और अभी मैं थोड़ी देर पहले नहाई थी और अभी मैं सोच रही हूँ एक हेयर कट ले लूँ, लेकिन मैं सोच रही हूँ मेरे बालों की लेंथ चली जाएगी थोड़े बहुत ही, मेरे बाल ज़्यादा नहीं घने नहीं है मतलब, पर ऐसे लेयर अच्छा लगता है और मेरा मन कर रहा है मैं इतने इतने से करवा लूँ, फिर ना वो पोशाक और इन सब पे ना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, एक बार के लिए अच्छा लगेगा लेकिन बाद में चोटी ही अच्छी लगेगी इन सब पे। सो यस, देखते हैं। और अभी 2 कोलेब्रेशन हो रहे हैं मेरे, मुझे उनका शूट भी करना है, एक तो वीट प्योर इंडिया एंड सेकेंड नेचर एसेंस वाला, मुझे इनका शूट भी करना है दोनों कोलेब्रेशन का टाइम पे मुझे। ओह शिट, 30 तारीख को होने वाली है और 30 से पहले पहले मुझे ये सब डालना है, पिक्चर्स और रील्स ये सब मैं क्या करती हूँ, कभी कभी मुझे खुद समझ नहीं आता है क्योंकि प्रोडक्ट अभी तक आया नहीं है और 30 तारीख तक मुझे डालना है। तीन सीरम थे फेशियल वाले जिनको कि डेली सुबह शाम अगर आप यूज़ करो तो उससे स्किन जो है वो ब्राइटर होती है, बहुत अच्छे से थोड़ा एक्सफोलिएट होती है, और तीनों डिफरेंट थे बट सबसे जो प्यारा मुझे लगा ना वो था 24K गोल्ड वाला, और मैंने लास्ट टाइम जब फेशियल लिया था वो भी गोल्ड वाला ही लिया था, और ये नेचर एसेंस के सारे बहुत सही प्रोडक्ट है, प्लस ये रीज़नेबल प्राइस में आते हैं, सेकेंड कोई मतलब ऐसा हार्मफुल ऐसा केमिकल कुछ है नहीं, सो उसके लिए थोड़ा सा लाइट और सटल मेकअप चाहिए था, सो वो मैंने किया था बिल्कुल लाइट एकदम ब्लश ये। और आजकल व्लॉग ही नहीं हो रहा, पता नहीं क्या हो रहा है मेरी, क्या बोलते हैं, दिमाग सही नहीं चल रहा मुझे, एक होता है ना अगर कोई एक लाइक पार्टनर होता है या कोई कंपनी देने वाला होता है तो हो जाता है, पर अभी मैं अकेली हैंडल करती हूँ सब कुछ, वो अकेले करने में बहुत ज़्यादा टफ हो जाता है, एक तो दो लोगों की कंपनी रहती है एक इंसान अकेला ही करता है, पर सबको पता है क्या लगता है कि पता नहीं कितना सपोर्ट इसको कितना क्या है ये वो, लेकिन भाई एक बात बता दूँ हकीकत है ये, मुझे पर्सनली किसी का कोई सपोर्ट नहीं होता है। ठीक है हाँ, बस इतना सपोर्ट है कि हाँ कर ले जो करना है बस, उसके अलावा सपोर्ट का मतलब यहाँ ये होता है कि आज ये डिलीट करो, आज ये वाला डिलीट करो, आज ये व्लॉग डिलीट करो, ऐसे नहीं बोलना, ये नहीं करना, वो नहीं करना, ये सब होता है, ये सब जगह होता है, मेरे पास नहीं हर कहीं होता है अगर कोई भी करता है तो। ठीक है, सो जिनकी गलतफहमी ना तो उनकी मैं दूर कर दूँ, ऐसा कोई फालतू का सपोर्ट नहीं है मुझे। ठीक है, जो करती हूँ मैं अपने बेस पे अपने दम पे खुद पे करती हूँ और वो बहुत मुश्किल होता है, ये सोचना बंद करो कि पता नहीं पीछे से कितना सपोर्ट मिलता है, जो एक वीडियो आती है ना उसके पीछे भी मुझे पता है मुझे कितना कुछ
कभी कभी किसी के थ्रू सुनने को मिल जाता है, उसकी वजह से कहीं झगड़े हो जाते हैं कुछ, बस लाइफ में यही चलता है। सो जो करती हूँ मैं अकेले हैंडल करती हूँ, प्लीज़ उसको अप्रिशिएट किया करो, अगर नहीं कर सकते तो कोई बात नहीं, पर डीमोटिवेट नहीं, क्योंकि ऑलरेडी मैं हो रखी हूँ सब लोगों की तरफ से। अंडा लेके क्यों घूम रहे हो? देखो कोई चोरी करके लेके गया आपके पत्थर ही आदमी। लोगों का मार्बल तोड़ोगे? खुश तो बहुत होंगे आज तुम, है ना? है ना? भाई तेरा जान नलायक जो मिल रही है भाई, बहुत बढ़िया है। बैग में डाल के लाओगे ना? क्या बोले, दोबारा दिखाना जूता। ठीक इतना गंदा हो रहा है। और अभी जस्ट मैं प्रोडक्ट का वीडियो शूट करके और अभी जस्ट फ्री हुई हूँ। मैंने परसों भी उसका वीडियो शूट किया था पर वो फिल्टर में रह गया था, सो मुझे अनफिल्टर वीडियो चाहिए थी। सो अभी मैंने उसका वीडियो शूट किया है, थोड़ा जल्दी में थी क्योंकि अभी बाइक लेके आने वाले हैं वो लोग, मतलब कि विक्की और वो दोनों गए हैं बाइक लेने विक्की के लिए, और अभी मतलब ये उसकी फर्स्ट बाइक हो, सो फाइनली आज उसको बाइक मिल रही है और खुश तो है ही है। क्योंकि अभी मतलब उसने बहुत टाइम हो गया उसको कहते हुए बाइक दिला दो बाइक दिला दो, पर वो टिकता नहीं है, फिर इस चक्कर में उसको दिलाते नहीं है। और अभी उसको ऐसा, मैं ये तो नहीं कह सकती कि कुछ कोई ब्रांड न्यू बाइक है या लाइक जैसे उसने कहा बुलेट है या ऐसा, नहीं नहीं हमें एवरेज के हिसाब से चाहिए, एवरेज लोगों को एवरेज के हिसाब से चाहिए। सो जो भी लोग फेशियल करवाते हैं, अभी कई बार होता है हम बिना केमिकल का अगर फेशियल लेते हैं तो वो इतना जल्दी ग्लो नहीं करता है, केमिकल वाले तो खैर जल्दी करेंगे क्योंकि उनमें एक्टिवेटर वगैरह ये सब मिलाए हुए होते हैं। और बिना केमिकल वाला अगर हम कोई भी फेशियल लेते हैं और वो हम चाहते हैं कि उसका जल्दी रिज़ल्ट आए पर नहीं आता है, सो उसके लिए मेरे पास है क्योंकि मैंने नेचर एसेंस के जो है वो फेशियल लिए थे। सो उसका अभी एक और प्रोडक्ट लॉन्च हुआ है, नेचर एसेंस फेशियलिस्ट रेडियंस बूस्टिंग सिरम 24 के गोल्ड में, और इसका ये सिर्फ सिंगल नहीं है, इसकी तीन चार और हैं। लाइक नेचर एसेंस ने तीन सिरम लॉन्च किए हैं, आई डोंट नो तीन हैं या चार पांच हैं, पर एक है नेचर एसेंस 24 के गोल्ड एंड सेकंड डेली ब्राइटनिंग सिरम, थर्ड डेली एक्सफोलिएटिंग सिरम। अभी मैं रिसेंटली ये यूज़ कर रही हूँ ब्राइटनिंग सिरम, क्योंकि मुझे सब थोड़ा गोल्डन गोल्डन नहीं चाहिए, ऑलरेडी हल्की फुल्की फेयर है मेरी थोड़ी सी स्किन। सो ये सिरम का भी ये फ़ायदा है कि अगर आप लोगों ने फेशियल लिया है या फिर अगर आप लोग फेशियल नहीं ले रहे हो और फिर भी आपको ग्लो चाहिए अपनी स्किन पर, तो ये सिरम दिन में दो बार यूज़ करने का होता है फेस वॉश करने के बाद, आप सुबह यूज़ कर सकते हो शाम को यूज़ कर सकते हो, जैसे भी आपका शेड्यूल रूटीन बने वैसे आप यूज़ कर सकते हो और इसके बाद कुछ अप्लाई नहीं करना है। डेली बेसिस पे अगर आप यूज़ करते हो तो भी इसका इफ़ेक्ट जो है बहुत अच्छा नज़र आता है। सो अभी मैं इसको डेली यूज़ करूँगी, और अभी दो दिन से मैं यूज़ कर रही हूँ, दो तीन दिन से, उसके बाद ही मैंने रिव्यू किया है उस वीडियो का। और ये ऐसा नहीं है कि अफोर्डेबल भी है, प्लस फेशियल को तो बार बार बहुत झंझट हो जाता है कि काफ़ी टाइम लगता है 40 से 50 मिनट, और हमें चाहिए कि हम डेली कुछ अगर अपने रूटीन में 2 या 5 मिनट का भी लाइक ऐसा कुछ ऐड करें ना स्किन केयर, तो ये बेस्ट है अगर हमें ग्लो चाहिए नेचुरली। ड्राई, सबसे पहले आप अपना मुंह धो, देन उसके बाद उसको सूखने दो, लाइक ऐसा नहीं है कि टॉवल लेकर रगड़ने लग गए। देन टेक 2-3 ड्रॉप्स एंड अप्लाई डायरेक्टली ऑन फेस एंड नेक, मसाजिंग इन अपवर्ड मोशन।
जी हाँ बिल्कुल ऐसे लाइक वो फेशियल स्टेप्स तो बिल्कुल थोड़े से होते हैं जो कि सबको पता होते हैं, हम वैसे भी डेली मॉइस्चराइज़र लगाते हैं तो लगाते हैं उसको। यूज़ रेगुलरली इन मॉर्निंग एंड नाइट फॉर विजिबली ब्राइटर एंड लाइटर कॉम्प्लेक्शन। यस, अगर आपको चाहिए कि आपको डेली रूटीन में सिर्फ 2 से 3 मिनट ऐसा अपने लिए निकाल के उसके बाद आपको फेशियल वाला ग्लो मिल सकता है तो गो एंड चेक दिस आउट। और इसका लिंक जो है वो मेरे इंस्टा ID पर बायो में मिलेगा, सो वो अभी मैंने ऐड नहीं किया है, अभी कल मैं उसको ऐड करूँगी। सो अगर किसी को ऐसा फेशियल वाला ग्लो चाहिए तो जाके उस लिंक पर क्लिक करना, देन वहाँ से बाय कर लेना। ओके बाय, क्योंकि अभी मुझे जाना है, वो बाइक लेके आ गए होंगे, उसको तिलक वगैरह ये सब करना है, उससे ज़्यादा तो मैं एक्साइटेड हूँ। ठीक हो तो बढ़िया काट दी तू जाने को पंडित बन भाई आ दो कुत्ता खा दे बेचारा ना देना फिर ये कहने की मैं 500 रुपये नहीं दिए 500 रुपये दे रहा हूँ इसको सच ही मिले फिर दिखा दो शिव भाई तो वो दिक्कत है।